तो सर कैसा फील कर रहे हैं सर, हमारे झारखंड को दूसरी वंदे भारत मिल चुकी है? बहुत ही उत्तम। बढ़िया लग रहा है। व्हाट्सअप एवरीबॉडी, दिस इज योर मंटी ब्लॉग। कैसे हो आप सब? तो नई दिन नई शुरुआत और हमारा नया कैमरा है, नाइकोन का Z30 हमारा ब्लॉगिंग कैमरा है, जो कि काफ़ी कमाल का आ रहा होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये वंदे भारत नई मिल चुकी है हमारे झारखंड में, दूसरा वंदे भारत है। पहला हमने कवर किया था रांची से पटना, अब ये दूसरी मिल चुकी है जो कि है रांची से हावड़ा, जो कि कुल समय इसका जो लगेगा, जो भी हावर्स लगेगा जाने में टाइम, केवल 7 घंटा 5 मिनट। और ये आज इनॉग्रल है, तो आज हम लोग इन्वाइटेड है इसमें और हम लोग रास्ते को कवर करते हुए जा रहे हैं। और इसमें क्या खाना मिलेगा, क्या पीना मिलेगा, ये सारा कुछ आपको दिखाएंगे और इसका जर्नी कैसा होता है ये पूरा डिटेल देंगे। तो वीडियो को बने रहिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये Z30 से मैं शूट कर रहा हूँ, तो ज़रूर एक बार कमेंट करके बताइएगा भाई कि कैसा शूट हो रहा है, वीडियो क्वालिटी कैसा है। तो फिलहाल अभी चलते हैं ट्रेन के अंदर, आपको दिखाते हैं इंटीरियर वगैरह और क्या क्या है, और इसमें कीमत क्या है, कितना लगता है और समय कितना, ये पूरा डिटेल देंगे आपको और बताएंगे। तो सीट की बात करूँ तो इतना कंफर्टेबल है ना कि मुझे कंफर्टेबल फील हो रहा है। और आपको यहाँ पे अगर लैपटॉप वगैरह यूज़ करना है तो इसे आप लॉक को ओपन कर दो, फिर यहाँ आराम से जैसे फ़्लाइट वगैरह में मिलता है आपको, तो उस टाइप का इसमें दिया हुआ है, टेबल बना हुआ है जैसे आपको फ़्लाइट वगैरह में मिलता है वैसे यहाँ पर टेबल बना हुआ है। फिर इसे आप आराम से इसे लॉक कर सकते हैं। पानी रखने का जगह मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो यहाँ पर है पानी रखने का जगह, और आराम से यहाँ पानी पिए और उसके बाद फिर यहाँ रख दिए। अब कंफर्टेबल की बात करूँ तो बहुत ही रिलैक्स फील हो रहा है इस सीट में बैठने के बाद। ये जो आप स्विच जो देख रहे हैं अभी, मैं आपको दिखा रहा हूँ स्विच, इससे अप डाउन होता है, ये देख सकते हैं आप लोग। ये भी मैंने पुश किया और ये देखिए, तो ये देख सकते हैं आप लोग काफ़ी कंफर्टेबल है। मैं इसे थोड़ा पुश करूँगा तो अब देखिए सीट अप हो गया। अगर मुझे डाउन करना है, थोड़ा डाउन होगा, ज़्यादा भी डाउन नहीं होगा, ताकि आप रिलैक्स कर सकते हो, तो मैं पुश करता हूँ। ये देखो आराम से कंफर्टेबल है। अगर यहाँ विंडो की बात करूँ तो काफ़ी बड़ा विंडो मिल जाता है। आप अगर बैठे हो तो आपको लगेगा नहीं कि मतलब एक वंदे भारत में बैठे हो, आप लगेगा फॉरेन कंट्री के ट्रेन में बैठे हो। और यहाँ से जो लुक और आपको जो व्यू जो दिखेगा वो काफ़ी कमाल का है। अब देखते हैं इस रूट में चलते हैं कैसा कैसा व्यू देखने को मिलता है। इससे पहले तो हमने दिखाया था जो कि रांची से चला था पटना, वो भी काफ़ी अच्छा एकदम व्यू था। फाइनली यहाँ पे रांची से ट्रेन खुल चुकी है। अब नेक्स्ट स्टॉपेज कौन सा होगा मैं आपको बताऊंगा, वीडियो में बने रहिएगा। तो कैसा है सर? मुरी है नेक्स्ट स्टॉपेज, जो है मुरी आने वाला है, और कितना टाइम में पहुँचा कहीं भी बताऊंगा। तो सर गलती से हमारे सब्सक्राइबर मिल गए, देखते हो सर हमारा वीडियो? जी सर। थैंक यू सो मच सर। कैसा लग रहा है ये झारखंड में दूसरा वंदे भारत लॉन्च हो गया है? ऐतिहासिक, आज का जो दिन ऐतिहासिक है सर। हाँ ऐतिहासिक है, क्या बात है। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। तो अभी चलते हैं और देखते हैं कुछ और भी नज़ारे। तो यहाँ पे देख सकते हैं खुशी कितना है, क्या फील कर रहे हैं आप? बहुत ही सुखद अनुभव है ये। अच्छा, इतना बढ़िया लग रहा है, पूरा भाजपा महिला मोर्चा आज हम सभी यहाँ पे बैठे हुए हैं और मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं। अच्छा। इतनी खुशियाँ समाई नहीं जा रही है, अभी 33% आरक्षण। हाँ। और वंदे भारत का शुभारंभ, इतना सब कुछ मोदी जी ने दिया है। आप मोदी जी जियो हजारों साल, ये मेरी हम सबकी है आरजू। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार मोदी जी।
तो सर कैसा फील कर रहे हैं सर, हमारे झारखंड को दूसरी वंदे भारत मिल चुकी है? बहुत ही उत्तम जी, कि सभी आदमी जो है कम समय में रांची से कलकत्ता की दूरी तय कर लेंगे, बहुत आरामदायक। और ऐसा फील हो रहा है कि सलाम लोग जमात में घूम रहे हैं। क्या बात है, मतलब आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो अपने आप को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो समय की जो बचत हो रही है यहाँ पे, वो ऊपर से बोनस, बोनस ऊपर से बोनस। अच्छा जी, तो और क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे भी वंदे भारत खुलना चाहिए हमारे झारखंड से? अभी तो दो खुली है सर। जैसे रांची के माननीय सांसद संजय सेठ महोदय अभी घोषणा किए थे जी कि जल्द ही रांची से वाराणसी के लिए, अच्छा, जल्द ही वंदे भारत एक ट्रेन खुलने वाली है। अच्छा, हाँ, वो उम्मीद है कि जो कहे हैं जल्द ही उनका पूरा हो जाएगा सर। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, अच्छा लगा आपने हमें फीडबैक दिया। आइए लेके चलते हैं आप किसी और बोगी में, आपको मिलाते हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि हमारे साथ बहुत सारे YouTube फैमिली हैं, जो कि पहले है हमारे साथ ऋषि भैया, जो कि खास ट्रेवल व्लॉगर हैं जो माने जाते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। क्या बात है, झारखंड। तो झारखंड, तो इससे पहले हमने ऋषि भैया से मिला था, जो कि रांची से खुला था वो पटना के लिए ट्रेन, जो हम लोग साथ में ब्लॉग बनाए थे। ये हमारे झारखंड को दूसरा वंदे भारत मिल चुका है, उम्मीद करते हैं तीसरा भी मिलेगा बहुत जल्द वाराणसी के लिए। जल्दी जल्दी। ओके, और हमारे साथ यहाँ पे भैया कैसे हो? बढ़िया है आंटी भाई। बढ़िया, कैसा लग रहा है आप बताइए? मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप बताओ। देखिए, ट्रेन की अगर बात की जाए तो ट्रेन जो है सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में 60-90 की स्पीड में ये ट्रेन चलेगी। अगर जहाँ से झारखंड के बाद में अगर बढ़ेंगे तब ये 130 की स्पीड से ये ट्रेन चलेगी। पहली ट्रेन रांची रेल मंडल को मिली है, हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। ये रांची रेल मंडल को मैं बोल रहा हूँ। और पहली जो ट्रेन थी वो रांची पटना चढ़ना चली थी, वो जो दानापुर डिवीज़न को दे दी गई। राइट सर, मैं सही हूँ? और ये ट्रेन है, बहुत कंफर्टेबल ट्रेन है। बड़ा खुशी लग रहा है आज, रांची को एक अच्छा चीज़ मिला। लीजिए मंटे भाई, थैंक यू। तो यहाँ देखें कितना एक्साइटमेंट था लोगों में, वो सारा पूरा हो गया। और मैं यहाँ पे मिलाता हूँ यहाँ पे सभी भाइयों से। हाय भैया, कैसे हो? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है डीरा, चैनल का नाम है रवि रेल। अच्छा, और इधर शिवानी जी है, कैसे हैं शिवानी जी? नमस्कार, वेलकम। और आप भैया? हमसे पूछे नहीं यार, कैसे हैं आप? पहले से पूछ रहे हैं। और बताओ भाई कैसे हो, पिछले बार हम लोग साथ में थे ना। चलो, तो ऋषि भाई यहाँ पे खाना का अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, जो कि भूख लगा हुआ है ना सुबह से थे आप लोग। तो भाई मुझे भी खाना खाना है, क्योंकि पेट में चूहा दौड़ रहा है, क्योंकि सुबह से आए हुए थे हम लोग ट्रेन वगैरह पकड़ के। हम शिवानी जी और हमारे साथ है गोल्डन, जो कि यहाँ पे देख रहे हैं। तो हमारा कहाँ है लंच है? क्या बात है, इतना सारा हम लोग के लिए, थैंक यू। तो अब तो मिल गया है हमें लंच और लगा है भूख, तो आइए दिखाते हैं लंच में हमें क्या क्या मिला है और आपको बताते हैं। तो ये लंच बॉक्स भी काफी कमाल है, इसे मैं अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ आपको। वाओ, इधर हो गया है। यहाँ ओपन करने के साथ यहाँ पे मिल जाता है आपको पापड़, ये है क्या? खाने के बाद पीने वाला है। और इसमें आप देख सकते हैं कि तो यहाँ पे मिल जाता है आपको लच्छा पराठा। ओके, खाना तो मैंने खा लिया एंड लंच बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था, हर चीज़ 100% था। खाना खाने के बाद मुझे मिलता है गिफ्ट, तो गिफ्ट मैंने बहुत बताया था आप लोगों को कि मैं दिखाऊंगा। ये गिफ्ट में क्या मिलता है मुझे ब्रो, ये देखो जो कॉफ़ी कप है, इससे पहले भी मुझे मिल चुका है। जैसे मैं रांची से पटना जा रहा था उस टाइम भी मिला था, और इस टाइम भी मिला है मुझे यहाँ पे वंदे भारत एक्सप्रेस रांची टू हावड़ा। आप देख सकते हो कप में प्रिंट बना हुआ है, और इसके अंदर क्या है कुछ अलग ही दिख रहा है। अच्छा, एक की रिंग्स मिल जाता है, ये देखो आप। ओके, तो फाइनली हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं मुरी स्टेशन। तो जो रांची से खुला है वो नेक्स्ट स्टॉपेज है मुरी जंक्शन, जो कि काफी बड़ा स्टेशन है, और यहाँ पे बहुत सारी गाड़ी यहाँ पे रुकती है। चलिए दिखाते हैं मुरी स्टेशन।
भाई मुरी से खुलने के बाद पहुंच गए हम लोग कोटशिला, जो कि देख सकते हैं काफ़ी स्टेशन पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और लोग ट्रेन को देखने के लिए एकदम उत्साहित हैं। ये देख सकते हो भीड़ भाई, तो फाइनली अभी हम लोग हैं पुरुलिया स्टेशन, जो कि आ गई है ट्रेन और यहाँ पे भीड़ भी काफ़ी कमाल का है भाई, देखने लायक है। ये देख सकते होंगे बाहर में आप लोग, यहाँ तक कि टीटी लोग भी फ़ोटो ले रहे हैं। और ओके, तो फाइनली यहाँ से ट्रेन खुल चुकी है, जैसे कि आप भीड़ देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, काफ़ी लोगों का उत्साहित है। ये देख सकते हैं मतलब पुरुलिया से काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला यहाँ पे। ये देखो आप, ये देखो तो इस रूट की ये पहली ट्रेन है वंदे भारत, जैसे कि पुरुलिया हो रहा है और झालदा हो गया और आपका ये टाटा ऐसे उतर जाएगा चंडील होते हुए, तो ये पहला वंदे भारत ट्रेन है जो कि इस रूट में, इसलिए इतना ज़्यादा भीड़ है और अभी आने वाला टाइम में और ज़्यादा होगा। देखो आप बाहर के व्यू, अब इसमें एक बोगी ऐसा भी मिल जाता है कि जिसमें रूटेड चेयर है, 360 में मूवमेंट करता है, तो आप देख सकते होंगे ये कैसे मूवमेंट करता है ये भी मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल तो जो मैं विंडो साइड बैठ रहा हूँ ना, ये काफ़ी का, और यहाँ पे लेग स्पेस की बात करो तो काफ़ी ज़्यादा है, आपको दिख रहा होगा। और इसे अगर मुझे मूव करना है, घुमाना है, तो यहाँ पे एक आपको एक दिखता होगा, यहाँ पे एक स्टैंड टाइप में है, अगर मैं इसे प्रेस करूँगा तो ये देखो घूमना स्टार्ट होगा। ये देखो ये रहा, तो आप देख सकते हैं हमारा चेयर घूम चुका है और हम लोग सामने से भी बैठ के एक बार और प्रेस करेंगे तो हो सकता है लॉक हो जाए या फिर, तो ये चेयर घूम चुका है और हम लोग सामने से विंडो के साइड देख सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन नज़ारा है। जैसे देख सकते हैं टीवी लगा हुआ है, जब ये चलेगा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा। और ये पूरा 360 मूव हो रहा है, अब देखिए मैं फिर अपने वापस से मैं अपने जगह पे आ जाता हूँ। ये देखिए लॉक हो गया और मैं वापस से अपने जगह पे आ गया। लेग स्पेस की बात करो तो काफ़ी कमाल का है और ये आप जैसे प्रेस यहाँ करता हूँ, वाओ रिलैक्स। ओके शिवानी जी, हम लोग ने खाना खाया था कितना बजे याद है आपको? दो घंटे हो गए और उसके बावजूद अभी हमें मिल गया है क्या, लाइटली नाश्ता। टाइम क्या हो गया अभी? 4:05। 4:05, तो ये मुझे रांची से चलने टाइम पहला तो ब्रेकफास्ट भी मिला, दूसरा आपको लंच भी मिला और तीसरा आपको एक लाइटली नाश्ता मिला। वो नाश्ता क्या है मैं आपको दिखाता हूँ, क्या क्या है शिवानी जी जरा दिखाइएगा खोल करके। यहाँ नाश्ता का पैकेट, तो ये रहा नाश्ता का पैकेट। क्या क्या है? ये केक है, बन है, ओके, एक बन है, हाँ? और एक चोको पाई है, ओके, और वाओ एक काजू का बर्फी भी है, अरे वाह, और एक ट्रॉपिकाना का जूस है गुआवा फ्लेवर, और ये क्या है, रोल, हाँ ये रोल है, और इसमें क्या है, ये शायद ना कचौड़ी है शायद, हाँ कचौड़ी है, कचौड़ी है, हाँ ये देख सकते हैं कचौड़ी। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच गए हैं अभी टाटा जमशेदपुर और यहाँ से विदा ले रहे हैं भाई ऋषि भाई। और बहुत अच्छा लगा यार मोंटी भाई, मोंटी के साथ और शिवानी के साथ भी ट्रैवल करके सेकंड टाइम वो लोग बंदे भाई। आप यहाँ से सच में जा रहे हो कि मजाक कर रहे हो भाई? ये बैग तो देख रहे हैं। चलो भाई ओके, तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं टाटा नगर यानी कि जमशेदपुर और ट्रेन काफ़ी पहले आ गया है। तो भाई टाटा जमशेदपुर में इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है लोगों का ना, आप भीड़ देख सकते हो, इतना ज़्यादा क्राउड है ना, इतना ज़्यादा क्राउड, आई थिंक मुझे लगता है इस रोड से पहला वंदे भारत है ना सर, इस रोड से पहला वंदे भारत है ना, हाँ, तो इसलिए इतना ज़्यादा क्राउड है और भीड़ है देखने के लिए, लोग काफ़ी ज़्यादा चढ़ रहे हैं इस ट्रेन में इंटीरियर देखने के लिए। और मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ आपको कि बाहर का कैसा व्यू है, देखो आप बाहर, ये देखो भारत माता की। एंड गाइज इस ट्रेन में मैं आपको बता दूं, अगर आज तो इनॉगरल था तो इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है, तो यहाँ पे हमें डिनर भी मिल रहा है, ब्रेकफास्ट मिला था, लंच मिला था, फिर अभी डिनर था, लेकिन डिनर से पहले लाइट कुछ
लाइट हाँ स्नैक्स वगैरह कुछ मिला था ना लाइट का वो, और देखते हैं यहाँ क्या क्या है यहाँ इसमें, ज़रा ओपन करिए भाई। तो रात का खाना मुझे लग रहा है भाई, और खाना गर्म है, गर्म है। क्या क्या है खाने में ज़रा वो बताइएगा। राइस है खाने में, राइस ये कुछ मीठा लग रहा है, सब्जी है पनीर का लग रहा है, पनीर सब्जी, ये पनीर का सब्जी है। मिक्स वेज ये क्या है, फ्रेंच फ्राई लग रहा है, केएफसी वगैरह खा रही है इसलिए फ्रेंच फ्राई। और क्या क्या है इसमें, तो जरूर दाल ही होगा। हाँ क्या है इसमें, दाल है, दाल है, अब खा ही लेना चाहिए जब खोल दिए थे यार। और रोटी, इसमें रोटी है और इसमें सोन पापड़ी, सोन पापड़ी। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए खड़गपुर रेलवे स्टेशन, ये देख सकते हैं खड़गपुर, एंड यहाँ पे वेलकम किया जा रहा है और काफ़ी अच्छे तरीके से स्वागत किया जा रहा है, हर तरफ ढोल का आवाज सुनाई देता होगा। चेयर वगैरह देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ था यानी कि यहाँ पे। अभी रात में देखो वंदे भारत एक्सप्रेस कैसा लग रही है ट्रेन अभी। तो फाइनली गाइज हावड़ा जंक्शन 10 बजे लिख रहा है, लेकिन हम लोग पहुँच गए हैं 9:30 बजे, 9:39 पे, और अभी 5 किलोमीटर और बचा हुआ है जैसा आपको दिख रहा होगा। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं, जो कि 12:50 में रांची से खुला था, और हम लोग पहुँच गए हैं 9:00 बज कर के, मतलब आई थिंक 10 बज ही जाएगा स्टेशन इन करते करते, क्योंकि 5 किलोमीटर दिखा रहा है, 9:40 हो गया है। तो फाइनली हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहा, और आपने देखा होगा कि कौन कौन सा स्टेशन कवर करते हैं, टोटल स्टॉपेज कितना है, ये सारा कुछ मैंने बता दिया। बाकी टिकट की कीमत की बात करूँ तो मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, आपको दिख जाएगा कि चेयर कार का कितना है और ट्यूब का कितना है, और इसमें लंच में आपको खाना में ब्रेकफास्ट एंड लंच डिनर सब कुछ इसमें इंक्लूड है। तो आप देख सकते हो कि इसमें प्राइस, अगर समय की बात करूँ तो 7 घंटा 5 मिनट ऐसा कुछ लगा है, बट आज ट्रेन लेट ही चल रहा है क्योंकि आज इनॉग्रल था इसके वजह से, बाकी और दूसरे दिन अपना टाइम पे चलेगी। और अच्छे अच्छे मतलब रेलवे स्टेशन पे जैसे कि वेलकम किया गया, आपने देखा कि बहुत सारे लोग आए हुए थे और खूब मस्ती कर रहे थे, हम लोग ने मस्ती किया, एंड थोड़ा मेरा तबीयत ठीक नहीं है लेकिन फिर भी मैं ब्लॉग कर रहा कंटिन्यू। आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, खुश रहें, एंड सेफ रहें, हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच जर्नी करने के लिए। इनका भी चैनल है, एक बार ज़रूर विजिट करिएगा, क्या नाम है, रवि रेल ब्लॉग्स, रवि रेल ब्लॉग्स, ओके। और इधर घुमक्कड़ ब्लॉग, कहाँ है तेरा चैनल? मेरा चैनल अभी नींद में है, नींद में है। इधर शिवानी जी, कैसा रहा सफर शिवानी जी आपका? बढ़िया, ठीक था, बढ़िया था, ठीक था, चलो ठीक है। तो ठीक है, बाय कर दीजिए लोगों को, बाय बाय, थैंक यू, चलिए गाइस फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। अगर डेली ब्लॉग देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए इस वीडियो में, ताकि मैं कल एक और ब्लॉग बना सकूं भी आप लोग के लिए, क्योंकि बहुत दिन से मैं पेंडिंग पे पड़ा हुआ था भाई, तबीयत ठीक नहीं था, इसकी अभी भी ठीक नहीं है, लेकिन हमारे झारखंड की बात है ना, झारखंड से जो 2 वंदे भारत मिल चुका है, एक पटना के लिए, एक हावड़ा के लिए, बहुत जल्द एक वाराणसी के लिए भी मिलेगा, जो टाइमिंग भी मैंने आपको बता दिया, नहीं देखा तो आप लोग पीछे करके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी मैं बता दूंगा, वहाँ पे दे दिया हूँ टाइमिंग क्या है, और हावड़ा से खुलने का टाइमिंग क्या है, और रांची से खुलने का टाइमिंग क्या है, ये सारा डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, तो आप जाके विजिट कर सकते हैं, एंड लाइक फॉलो सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा।